नमस्कार विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल का अगला टॉपिक आता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मानव भूगोल के तथ्यों में आज दूसरा अगला आता है जीन प्रूम्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में मानव भूगोल के हंटिंगटन व विडाल डी ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया था। आज हमारे इस दूसरे टॉपिक में मानव भूगोल के तथ्यों में प्रोफेसर जीन ब्रूम्स का आता है। और जीन ब्रूम्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को दो प्रमुख आधार लेके विभाजित किया है। पहला, सभ्यता का विकास के आधार पर, कहने का मतलब सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव ने अपनी प्रगति किस किस प्रकार से की है। और दूसरा, यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण जो सांस्कृतिक तथ्यों पर आधार है उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो प्रोफेसर जीन ब्रूम्स ने मानव भूगोल के जो तथ्य है वो लगभग हंटिंगटन के तथ्यों से मिलता जुलता है, उसका उनका थोड़ा सा विस्तृत रूप है। तो सभ्यता के विकास के आधार पर मानव अपने किस तरह के जो क्रियाकलाप है और उसको एक चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है ब्रूम्स ने। तो ब्रूम्स ने मानव भूगोल के तथ्य में जो सबसे पहले एक चार्ट बनाया उसमें ये लिया कि मानव की प्राथमिक आवश्यकता और भौतिक वातावरण और उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है। ठीक प्रोफेसर जीन ब्रूम्स के आधार पर जो किया गया वर्गीकरण था उसी से मिलता जुलता पहला वाला भाग है कि मानव पहला आता है जीवन निर्वाह के लिए मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब मानव की मिनिमम आवश्यकताएं क्या है, प्राइमरी नीड्स ऑफ मैन, सबसे न्यूनतम आवश्यकता है क्या है, भोजन, वस्त्र, आश्रय और संतानोत्पत्ति प्रवृत्ति। मानव को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आश्रय चाहिए और रहने के लिए स्थान में संतान, मतलब मानव अपने संख्या को बढ़ाने का प्रयास में लगा रहता है। ये सारे क्रियाकलाप कहाँ पर कर रहा है, भौतिक वातावरण में रखे, और भौतिक वातावरण के कौन कौन से कारक हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का स्थल रूप किस प्रकार का है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, पशु जीवन किस प्रकार का पाया जाता है, खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं और शक्ति के स्रोत व जल के किस रूप में उपलब्ध है, वहाँ पर क्या स्रोत उपलब्ध है। इन भौतिक का वातावरण के जो कारकों में रहकर मानव अपनी मिनिमम आवश्यकताएं पूर्ति करता है और मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद मानव और अन्य कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। वो कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं, कहने का मतलब है मानव कुछ प्राथमिक क्रियाकलाप शुरू करता है, मिनिमम आवश्यकता है, वो भोजन के लिए शिकार करता है, मछली पकड़ता है, पशुपालन का कार्य करता है, खाद्यान्नों के लिए अपने भोजन के लिए कृषि का कार्य करता है और अपने अन्य क्रियाकलापों में जैसे खाने खोदता है, निर्माण उद्योग स्थापित करता है। और इतने सारे ये काम होने के बाद जैसे खनन कार्य करता है, कृषि कार्य करता है, तो कुछ न कुछ उन पर आधारित उद्योग स्थापित करता है। और जैसे ये उद्योग स्थापित होता है व्यापार वाणिज्य के कार्य शुरू हो जाता है और ये सारे कार्य है काम पर करता है मानव समाज और परिवार के साथ रहकर करता है। और मानव पर समाज और परिवार मिलके और एक क्षेत्र विशेष एक प्रदेश का निर्माण करते हैं जहाँ पर शासन और राजनीति की आवश्यकता होती है। तो जितने ये मानव के जो कारक हैं सारे के सारे इन मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति भौतिक कारकों के साथ रहकर करता है और कुछ प्राथमिक क्रियाकलाप करता है। उसके बाद क्या आता है, देखिए इधर ये कि मानव की जो मिनिमम आवश्यकताएं पूरी होगी उसके बाद उच्च आवश्यकताओं के साथ साथ मानव उच्च आवश्यकताएं और सांस्कृतिक वातावरण उनके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कहने का मतलब है मानव की मिनिमम आवश्यकताएं पूरी, कुछ क्रियाकलाप करने शुरू किए, उसके बाद उसकी मानव की कुछ उच्च आवश्यकताएं महसूस हुई और उन आवश्यकताओं की जैसी पूर्ति हुई वो सांस्कृतिक वातावरण में रह के कुछ क्रियाकलाप करने लगा और उसके साथ साथ कुछ प्रतिक्रियाएं करने लगा। मानव को जो ऊँच आवश्यकताएँ, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, आमोद प्रमोद मनोरंजन के साधन चाहिए, धार्मिक भावनाएं जैसे आती है तो उनको मंदिर मस्जिद गिरजाघर चाहिए, शिक्षा के लिए संस्थान चाहिए, विज्ञान कला प्रदर्शन प्रशासन राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विकास सहयोग सद्भावना और साहित्यिक विकास, ये जो सारे कारक है वो मानव की उच्च आवश्यकता से संबंधित न कि प्राथमिक क्रियाकलाप है न द्वितीय क्रियाकलाप है, ये तृतीय या चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित हैं। ये सारी क्रियाएं जैसे ही भी मानव की पूर्ति होती है वो कुछ सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करना शुरू कर देता है।
मानव धर्म के कार्य करता है, शिक्षा अर्जन करता है या शिक्षा प्रदान करता है, विज्ञान के कुछ क्रियाकलाप करता है, कला संस्कृति से संबंधित कुछ क्रियाकलाप करता है, दर्शन शासन समाज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे देश है आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करके व्यापार और वाणिज्य का कार्य करता है और जनसंख्या उद्योग नगर और मार्ग ये सारे जो मानव के जो सांस्कृतिक वातावरण में रह के जो कार्य करता है। जैसे ही मानव की ऊंचा आवश्यकताएं पूर्ति हुई सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ वो और अन्य प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देता है। वो धर्म का प्रचार करेगा, शिक्षा का प्रसार करेगा, विज्ञान का प्रसार करेगा, कला प्रसार, शासन में सुधार करेगा और जैसे जैसे शिक्षा जागरूकता ये सारी धर्म शिक्षा विज्ञान का प्रचार होगा वैसे वैसे वो समाज में भी सुधार करने का कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो गरीब देश हैं उनका सहयोग करने का प्रदान प्रयास करेगा, व्यापार अपने विकसित करेगा, परिवार नियोजन परिवार को छोटा रखने का प्रयास करेगा और उद्योगों की तकनीकी विकास के साथ उद्योगों का विकास करेगा और उद्योगों के विकास के साथ साथ मानव अपने अपना खुद का विकास करेगा तो नगरों का नियोजन होगा और विभिन्न प्रकार के मार्ग विकसित होंगे। तो कहने का मतलब है मानव इस तरह से प्राथमिक आवश्यकताएं और उसके बाद भौतिक वातावरण में रह के कार्य करता है और उसमें कुछ प्राथमिक क्रियाकलाप करता है। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप पूरे होते हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है उसको कुछ ऊंच आवश्यकताएं चाहिए। ऊंच आवश्यकताएं वो सांस्कृतिक वातावरण में रह के करता है और उसके साथ साथ कुछ प्रतिक्रियाएँ करता है। तो प्रोफेसर जीन ब्रूंस हंटिंगटन और विडाल डी ब्लास ये तीन मेन विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है जिसमें बड़े प्रश्नों के तौर पे मानव भूगोल में मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल के हंटिंगटन के अनुसार तथ्यों का वर्णन कीजिए इस तरह का बड़ा प्रश्न बनता है। इसी तरह से एक साल हंटिंगटन आता है तो दूसरे साल है प्रोफेसर जीन ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का विस्तृत वर्णन करिए अर्थात यहाँ चार्ट के आधार पे और ये चार्ट इस तरह से बनाना है चार्ट को थोड़ा सा समझना आसानी से और उसके बाद इन तथ्यों का विस्तृत वर्णन करना है। मैं पीडीएफ के नोट्स जो आपको उपलब्ध कराऊंगा इनमें सारे के सारे वर्णन प्रस्तुत हैं। तो इस तरह के इन बड़े प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। ये बड़े 15 नंबर के प्रश्न होते हैं जो आपके परसेंटेज को बढ़ाने में इंक्रीज करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।